हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है सीएट टायर के ऊपर। और दोस्तों, मेरे पास जो टायर है दोनों ही सीएट के टायर है। काफी बार मेरे से पूछा जाता है कि हमें सीएट का टायर लेना है या हमें X3 का जो टायर आया है, सीएट का नया जो टायर है, उसके बारे में हम बताइए कि कैसा वो टायर है, हमें लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो क्या उसकी वारंटी है, क्या उसकी सर्विस है, थोड़ा सा हमें वो भी बता दीजिए। तो दोस्तों, काफी बार मेरे से सारे सवाल मेरे से पूछे जाते हैं सीएट X3 के बारे में और माइलेज के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, आपको ये डाउट है क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मेरे पास जो टायर है सीएट का, और एक तरफ सीएट माइलेज और एक तरफ दूसरी तरफ सीएट का X3 वाला टायर है। और दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से इनकी क्या क्या सर्विस और क्या क्या वारंटी है, कैसे ये टायर है। दोनों ही सीएट के प्रोडक्ट हैं और सीएट काफ़ी अच्छी गुडविल क्रिएट कर चुका है मार्केट के अंदर, और प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा और डिमांड में रहते हैं इनके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ जो मेरे पास टायर है वो है सीएट का माइलेज वाला टायर। और इसका जो सीएट की ब्रांडिंग है वो ये रही दोस्तों। और दोस्तों, इसका जो साइज है वो 275/18। दोस्तों, जिस जिस में भी ये साइज लग जाता है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी बाइक में ये साइज आपका लग जाता है। यू शुड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मेरे पास सबसे पहले जो टायर है वो है सीएट माइलेज। इसका जो कुछ डिजाइन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। डिजाइन ये रहा इस तरीके से कुछ इसका डिजाइन है। डिजाइन की बात कर ले तो काफी अच्छा डिजाइन लगता है देखने में, मैं कहूँगा काफी अच्छी लुकिंग देता है ये टायर की जो इनकी ये चीज जो ग्रिप काफी अच्छी है, और मेरे हिसाब से टायर काफी अच्छा है। अगर हम माल की बात करें, माल कंपनी ने जो ये चीज है, मतलब माल की गहराई जो है वो काफी अच्छी कंपनी ने दी है। काफी अच्छी डेप्थ, जो टायर की डेप्थ होती है, डेप्थ मतलब टायर के अंदर कितना ज्यादा माल है वो टायर में काफी ज्यादा दिखाया है, मतलब दिया गया है। और इसका जो साइज है वो मैंने आपको बताया, जैसे कि 275/18 है। इसका जो नाम है टायर का वो है सीएट माइलेज के नाम से ये टायर आ जाता है दोस्तों। देखने में भी काफी अच्छा लगता है। और इसमें जो वारंटी कंपनी दे रही है वो 5 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देती है और 3 ईयर अनकंडीशनल वारंटी देती है। ये दोस्तों टायर ट्यूब वाला, मतलब टायर ट्यूब वाले ही टायर है, यानी कि ट्यूब वाले ही टायर है, और ये दोनों ही रियर टायर है। इसका जो रेट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग इसका जो रेट मार्केट के अंदर होगा वो 1350 से लेके 1400 के बीच में आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा टायर ट्यूब। दोस्तों, दूसरा जो मेरे पास टायर है ये है सीएट का न्यूली लॉन्च। अभी मतलब ज्यादा टाइम इस टायर को लॉन्च हुए नहीं हुआ है, और काफी अच्छी डिमांड और डिजाइन की वजह से काफी ज्यादा देखा और बिका जा रहा है ये टायर। और इसका जो नाम है वो है सीएट माइलेज, सीएट ग्रिप X3 के नाम से ये टायर आ रहा है दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले इसकी सीएट की ब्रांडिंग आपको दिखा देता हूँ। ये रही सीएट की ब्रांडिंग कुछ इस तरीके से। सीएट इसके पीछे लिखा रहा है जो इनका लोगो है हल्का सा। और इसका जो नाम है वो है ग्रिप X3 के नाम से दोस्तों ये टायर आ रहा है। और लोग जो दीवाने हो रहे हैं इसके डिजाइन पे हो रहे हैं, डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है इसका, और लुकिंग तो बहुत ही प्यारी लगती है इस टायर को। बस हम जब लगाते हैं बाइक के अंदर तो काफ़ी अच्छी लुकिंग इस आपकी बाइक को ये टायर दे देता है। लुकिंग में मैं बात करूं तो बहुत अच्छी लुकिंग, बहुत अच्छा डिज़ाइन कंपनी ने दिया है इस टायर को। ये जो चीज़ है शायद आप वीडियो में ना देख पाएं, ये काफ़ी अच्छा पैटर्न इधर साइड में भी, मतलब ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है, बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है, और ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लुकिंग ये टायर दे देता है आपकी बाइक को। और दोस्तों, ये भी टायर ट्यूब है और इसमें भी सेम वारंटी है। इसमें जो वारंटी थी इन इसमें भी 3 ईयर अनकंडीशनल थी और 5 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी थी। इसमें भी दोस्तों सेम वारंटी है और दोनों में ही सेम वारंटी, बट रेट भी मैं कहूँगा लगभग, जैसे मैंने बताया आपको, ये 1350-1400 रुपये का था, मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगा ये भी आपको लगभग 1400-1450 के बीच में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इन दोनों में से आपको कौन सा टायर लेना चाहिए अपनी बाइक के अंदर? दोनों ही सेम वारंटी दे देती है, लगभग रेट में भी मैं कहूँगा 150 रुपये का अंतर है और कंपनी भी सेम है, तो इन दोनों में से आपको कौन सा टायर लेना चाहिए? अगर आपको सीएट का ही प्रोडक्ट डलवाना है कि आपको सीएट का टायर काफ़ी अच्छे लगते हैं, और सीएट में थोड़ी प्रॉब्लम ये है बस,
थोड़ा जल्दी घिस जाता है टायर। बाकी सीएट के टायर काफी अच्छे होते हैं क्योंकि लेवल कंफर्ट लेवल काफी अच्छे होते हैं इस टायर के, और सॉफ्टनेस गाड़ी में स्मूथनेस बहुत अच्छी मिलती है। अगर हम सीएट का टायर डालते हैं तो स्मूथ बिल्कुल चलती है आपकी बाइक। और दोस्तों इसी वजह से काफी लोग सीएट के दीवाने हैं और सीएट के टायर पसंद करते हैं, मतलब सेफ्टी लेवल भी काफी अच्छी सीएट प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। तो दोस्तों इन दोनों में से आपको मेरे हिसाब से आप सीएट X3 की तरफ जा सकते हैं क्योंकि डिफरेंस में ज्यादा नहीं है रेटों में, प्लस इसका जो डिजाइन है काफी अच्छा लगता है, काफी यूनिक सा डिजाइन है मैं कहूँगा। और दोस्तों इसमें एक थोड़ी मैं कहूँगा कि इसमें डिजाइन तो काफी अच्छा है ही, और थोड़ा मैं कहूँगा सी माइलेज से थोड़ा इसकी जो लाइफ है वो थोड़ी ज्यादा है और लोग भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। और अभी अभी लॉन्च हुआ है तो न्यू टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड है ये टायर, मतलब अभी ज्यादा इस टायर को लॉन्च हुआ है, मतलब समय नहीं हुआ है तो लगभग 2-1 साल या 1.5 साल हुआ होगा। बट ये जो माइलेज पैटर्न है सीएट का ये काफी पुराना है, लगभग 7-8 साल और ज्यादा भी हो सकता है, 9-10 साल भी पुराना है ये टायर। और ये सीएट X3 अभी 1-1.5 साल ही हुआ है इसे आए हुए। तो आप मेरे ख्याल से आप सीएट X3 की तरफ जा सकते हैं अगर आपको सीएट का प्रोडक्ट डलवाना है अपनी बाइक के अंदर। और मेरे को उम्मीद है आपको ये टायर जो है निराश नहीं करेगा, काफी अच्छी सर्विस आपको देगा, वारंटी भी अच्छी है, हर तरीके से टायर काफी अच्छा है ये। दोस्तों अगर आपको ये डाउट है, अगर आपको कभी भी कोई डाउट है सीएट से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं नीचे। और अगर वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ लाइक कर देना ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हमेशा सेफ चलें, सेफ ड्राइव करें, आपके साथ काफ़ी लोग हैं, आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स, उनका भी ख्याल रखें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।